हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल्स। आई एम विजय, योर साइंस टीचर। इन योर साइंस सब्जेक्ट द फर्स्ट चैप्टर इज फूड एंड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। इट्स मीन कि वाट एवर वी ईट, जो कुछ भी हम ईट करते हैं दैट इज कॉल्ड फूड। बट वी हैव टू नो दैट फ्रॉम वेयर डज इट कम, कि इसके मेन सोर्सेस क्या है और ये फूड आखिर हमें मिलता कहाँ से है। देयरफॉर इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द वैरायटी ऑफ फूड, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, सोर्सेस ऑफ फूड एंड व्हाट एनिमल ईट, देन हाउ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। In previous class, what we have studied? We have studied that all living things need food. यानी कि जो भी living things हैं, living things, do you know the living things? Yes, the thing which can respire, which can grow, which can reproduce, okay? That is called living things. And each and every living organism require the food. But why does this organism require the food? To stay alive, grow and the to get energy. यानी कि fit रहने के लिए, growth के लिए, energy के लिए, for repairing the body, body के maintenance के लिए, यानी किसी disease से बचने के लिए, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि फूड की इम्पोर्टेंस होती है। एंड वी कैन से विदाउट फूड द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव। देयरफॉर द एनिमल्स आर ग्रुप्ड एज द हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, स्क्वेंजस, डिकम्पोजर्स। वी हैव स्टडीड अबाउट द हर्बीवोरस इन प्रीवियस क्लास। कि हर्बीवोरस के बारे में हमने क्या पढ़ा कि द ऑर्गेनिज्म विच ईट द ग्रीन प्लांट्स, ओके, कि जो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं, प्लांट को ईट करते हैं, उनको हर्बीवोरस कहते हैं। कार्निवोरस का मतलब क्या होता है, जो एनिमल अदर एनिमल्स को ईट करते हैं, द एनिमल्स विच ईट द अदर एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड कार्निवोरस। एंड ओमनिवोरस, ओमनिवोरस वो होते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग, क्रो, जो कि प्लांट और एनिमल दोनों को ईट करते हैं। इसके वेंजर्स भी होते हैं जो डेड एनिमल को ईट करते हैं, और डिकम्पोजर जो कि एक तरह से एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, फंगस है, ओके। सो वी हैव स्टडीड अबाउट दीज ग्रुप्ड ऑफ एनिमल्स। वाई द फूड इज़ नेसेसरी फॉर All living organisms. कि फूड ज़रूरी क्यों है? तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू नो, फूड प्रोवाइड द एनर्जी टू डू वर्क, इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी, इट रिपेयर वॉर्न आउट सेल्स एंड इट गिव स्ट्रेंथ टू द बॉडी टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम डिजीज, यानी बीमारियों से बचने के लिए, ठीक है। बॉडी में अगर कोई घाव हो गया है, ठीक है, तो उसको हील करने के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए टू डू डिफरेंट टास्क एंड वर्क। इस चीज़ को हम सिंपली ऐसे समझ सकते हैं जैसे कार होती है तो उसको एक से दूसरी जगह जाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर हम उसमें फ्यूल डालते हैं, जैसे कि हमने कार में पेट्रोल डाला, ठीक है, तभी वो क्या कर पाएगी, एक से दूसरी जगह मूव कर पाएगी। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी फूड एक तरह से एक फ्यूल की तरह होता है, जिसको वो इनटेक करके और उसको अपनी बॉडी के लिए यूटिलाइज करके डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। नाउ द वैरायटी ऑफ फूड, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी फूड्स को ईट करते हैं, जैसे कि सम ऑफ अस दे ईट द एग, ब्रेड, ब्रेकफास्ट के अंदर वो राइस लेते हैं, दाल, चपाती, वेजिटेबल, फिश, फ्रूट्स, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमंस आर ओमनिवोरस, तो वो प्लांट और एनिमल दोनों प्रोडक्ट ईट करता है। तो कुछ ह्यूमंस होते हैं जो एग भी ईट करते हैं, ब्रेड भी ईट करते हैं, ठीक है।
कुछ एग्जांपल है जैसे कि राइस, दाल, चपाती, वेजिटेबल्स, और डिनर में हम डिफरेंट डिफरेंट डिशेस लेते हैं. जस्ट सी दिस बॉय इज ईटिंग फूड, ये बच्चा क्या कर रहा है, फूड ईट कर रहा है. एंड दीज आर सम एग्जांपल्स. इन पिक्चर्स में आप देख सकते हो कि किस तरह से जो फूड है वो सर्व किया गया है. नाउ देर इज एन एक्टिविटी. इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स यू ईट ड्यूरिंग द डे, यानी पूरे दिन के दौरान जो फूड आप ईट करते हो उनकी लिस्ट बनानी है और उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में आपको लिखना है. जैसे कि हम लिख सकते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट में आप क्या ईट करते हो, लंच में क्या ईट करते हो, और डिनर में, ठीक है, आप क्या ईट करते हो, उन फूड आइटम्स के नेम आपको इन स्पेस में आपको राइट करना है. ठीक है, नाउ इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, वेरी इंपॉर्टेंट कि इंग्रेडिएंट्स आखिर होता क्या है. टेल मी वन थिंग कि अगर आप कोई वेजिटेबल बना रहे हो, घर पे सब्जी बन रही है, अगर आप उसमें स्पाइसेस ऐड नहीं करोगे, आप उसमें वाटर ऐड नहीं करोगे, सॉल्ट ऐड नहीं करोगे, ठीक है, तो क्या वो टेस्टी डिलीशियस बन पाएगी? नो, वो नहीं बनेगी. इसलिए इंग्रेडिएंट्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है हमारे फूड के अंदर. इसको हम सिंपली ऐसे समझेंगे बेटा कि जैसे आप ईट कर रहे हो वेजिटेबल में, क्या ईट कर रहे हो आप, यू आर ईटिंग, यस यू आर ईटिंग दाल. जैसे दाल आप ईट कर रहे हो तो दाल में क्या क्या होता है, कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं, जैसे पल्सेस भी होती है, वाटर, सॉल्ट, ऑयल भी होता है, स्पाइसेस भी होता है, तो इन सब से मिलके क्या बनती है, दाल. तो दाल के अंदर उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, स्पाइसेस. इसी तरह से एक एग्जांपल है हमारे पास खीर का, तो खीर जो कि प्रिपेयर्ड होती है बाय यूजिंग राइस, मिल्क एंड द शुगर. और इसी तरह से काफ़ी डिशेज होती है जो हम ईट करते हैं. अब हम ये भी देख सकते हैं कि सेम काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके, ठीक है, हम डिफरेंट डिफरेंट डिशेस भी बना सकते हैं. जैसे कि हमें पता है कि फ्लोर, सॉरी व्हीट फ्लोर लेके हम, यानी आटा लेके और शुगर लेके, इनसे बिस्किट्स भी बनते हैं और हलवा भी बनता है. नाउ देयर इज़ अनदर एक्टिविटी. Given below are the name of the five food items. Write the ingredients used to prepare them. इस एक्टिविटी से आप अच्छी तरह से इंग्रेडिएंट्स को समझ पाएंगे. जैसे यहाँ पर रोटी दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि रोटी के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, यानी किन किन मटेरियल से मिलके वो बनती है. तो रोटी में आप व्हीट फ्लोर कर दोगे, आप उसमें वाटर कर दोगे, उसमें आप सॉल्ट लिख दोगे, तो इस तरह से आपको उसके इंग्रेडिएंट्स के नेम राइट करने हैं. एंड देयरफॉर आपको इन सब के एग्जांपल जैसे इडली, वेजिटेबल करी, सैंडविच, बॉइल्ड राइस, इनके भी आपको यहाँ पे राइट करने हैं विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. नाउ द सोर्सेस ऑफ फूड. द मेन इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ आवर फूड इज सोर्सेस, यानी कि हमें पता तो होना चाहिए कि फ्रॉम वेयर वी गेट द फूड, कि हमें फूड आखिर मिलता कहाँ से है. तो मेजर सोर्स ऑफ फूड आर वॉट, प्लांट्स एंड द एनिमल्स, कि प्लांट्स और एनिमल्स हमारे फूड के मेजर सोर्सेज होते हैं, कि मोस्टली हमें जो फूड है प्लांट्स से मिलता है या फिर एनिमल्स से. अगर हम प्लांट्स की बात करें कि एज ए सोर्स, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हमें ये पता है कि बाय द यूजिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनमें कौन सी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस, जिस दौरान वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनटेक करते हैं और रिलीज़ कौन सी गैस करते हैं, ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं. समझ में आ रही बात, यानी फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जो कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ही हो पाती है, और उस दौरान वो क्या करते हैं, CO2 गैस इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं, और साथ ही साथ ग्लूकोज
ग्लूकोज की फॉर्म में अपना क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज दियर ओवन फूड, अपना फूड बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स। अब ग्रीन प्लांट्स ही क्यों एंड वाई डू वी कॉल देम एज अ प्रोड्यूसर, कि ग्रीन प्लांट्स को ही प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं हम, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक क्लोरोफिल होता है पिगमेंट, और क्लोरोफिल की मदद से ग्रीन प्लांट्स क्लोरोफिल और सन की प्रेजेंस से, ठीक है, बाय यूजिंग द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड। अब जो प्लांट फूड बनाते हैं वो फूड हमारे भी काम में आता है और वो अपने खुद के लिए भी काम में लेते हैं। यानी कि हमें पता है कि हम जैसे एक प्लांट है, अगर हम एक प्लांट ड्रॉ करेंगे तो उस पर क्या लगेंगे, फ्रूट्स लगेंगे, ठीक है, तो उन फ्रूट्स को भी हम ईट करते हैं, ठीक है। अगर इसकी कुछ लीव्स है तो वो भी एज हम फूड ईट करते हैं, समझ में आ रही बात। जैसे कि कोरिएंडर है, धनिया है, तो उसकी हम लीव्स ईट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंगो है तो उसका फ्रूट पार्ट हमें मिल जाता है, समझ में आ रही है बात। और जो प्लांट होते हैं जो अपना फूड बनाते हैं वो अपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। सम फूड आइटम्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एज ए फॉलो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द सीरियल्स। सीरियल्स का मतलब होता है जैसे ग्रेन्स हो गए, जिसमें वीट हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गए, मेज हो गए, मक्का हो गई, इनको हम किस कैटेगरी में लाते हैं, सीरियल्स में, जैसे हम चपाती ब्रेड बनाते हैं। ये हमारी डाइट का मेजर पार्ट होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट इज ए एनर्जी गिविंग फूड, कि जिस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। हियर सम एग्जांपल्स ऑफ सीरियल्स प्लांट, जैसे कि पेडी हो गई, जिसको हम राइस भी बोलते हैं, वीट गेहूं है, मक्का है, तो ये एग्जांपल है किसके, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सीरियल्स एंड दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट एंड कार्बोहाइड्रेट इज व्हाट, एनर्जी गिविंग फूड। या नाउ पल्सेस, पल्सेस जिसको हम दाल भी कहते हैं, और पल्सेस के अंदर ग्रेन जैसे चना आ गया, मटर आ गया, सोयाबीन है, बीन्स है, ये सारे के सारे पल्सेस के अंदर ही आते हैं। हियर सम एग्जांपल्स ऑफ पल्सेस एज वी सी। नाउ द शुगर स्ट्रेंज, शुगर इट इज़ ऑप्टेन फ्रॉम द शुगर कैन एंड शुगर बीट, यानी चुकंदर, चुकंदर और शुगर कैन यानी गन्ना, इनसे क्या मिलती है, शुगर, जो आप ईट करते हो, जो ऐड करते हो आप फूड में फ्लेवर लाने के लिए, और इससे भी आपको क्या मिलेगा बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स, एंड कार्बोहाइड्रेट इज़ वॉट, दिस इज एनर्जी गिविंग फूड। नाउ द बीवरेज, यानी कि जो चीज़ें पीने की होती है या जो पीने लायक चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम टी की बात करें, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, दीज आर कॉल्ड बेवरेज, और इनमें भी हम प्लांट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो चाय पत्ती होती है तो वो भी हमें प्लांट से मिलती है, ठीक है। अब ऑयल्स की हम बात करते हैं तो कुकिंग ऑयल जो कि हमारे लिए, हमारे किचन में हमारे फूड के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रखता है, तो ऑयल्स भी हमें मिलता है डिफरेंट डिफरेंट सीड से जो भी प्लांट्स के होते हैं, जैसे कि मस्टर्ड, सरसों के सीड हो गए, मूंगफली के हो गए, ग्राउंडनट सीड हो गए, कोकोनट हो गया, तो इनका यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। ऑयल में होता क्या है, ऑयल्स आर रिच इन फैट एंड प्रोवाइड एनर्जी, फैट होता है जो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। नाउ द स्पाइसेस यानी मसाले, मसालों में हम बात करते हैं जैसे चिली हो गई, मिर्च हो गई, टर्मरिक हल्दी हो गई, ठीक है, फिनेल सीड्स हो गई, सौंफ हो गई, ये कुछ इम्पोर्टेंट क्या होती है, स्पाइसेस मसाले होते हैं जो हमारे फूड को क्या बनाते हैं, टेस्टी बनाते हैं। अगर जस्ट
imagine that if your mother does not add any kind of spices in the food, then what kind of taste will be there? Will be it delicious or not? Yes, of course it will be not delicious. ये taste ही आपको नहीं लगेगा, इसलिए spices का भी अपना ही एक importance होता है. Now the fruits and the vegetables. Fruits और vegetables हमारी diet का एक important हिस्सा होता है, because they provide us what? Vitamins, minerals and the roughage. इन विटामिन्स मिनरल रफेज क्या करते हैं, हमारी बॉडी को डिजीज से बचाते हैं, यानी हम बीमार नहीं होते उससे. और ये भी हमें किससे मिलते हैं, ये भी हमें प्लांट से मिलते हैं. हियर पिक्चर ऑफ फ्रूट्स देख सकते हैं आप, फ्रूट्स की पिक्चर जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स है, जैसे एप्पल हो गए, बनानाज हो गए, ठीक है, सो ऑन. एंड दीज आर वेजिटेबल, ये सब्जियाँ हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें चिलीज भी आ गई, और इसमें एक तरह से ब्रोकोली आ गई, ठीक है. एज आई टोल्ड यू कि प्लांट्स के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं वो अपना फूड स्टोर करते हैं. अगर हम बात करें रूट्स की, कि किसी प्लांट की क्या रूट भी फूड को स्टोर कर सकती है, येस ऑफ कोर्स. इफ़ वी टॉक अबाउट द रूट, तो जैसे कैरेट हो गई, गाजर हो गई, मूली हो गई, रेडिश हो गई, टर्निप हो गई, सलजम, तो ये क्या करती हैं, अपनी रूट के अंदर फूड को स्टोर करती है. दैट्स वाई वी ईट द रूट पार्ट ऑफ दीज प्लांट. नाउ नेक्स्ट स्टेम, अगर किसी प्लांट की स्टेम के अंदर अगर फूड ईट और फूड स्टोर हो रहा है, तो ओबियसली हम उसकी स्टेम को ही तो ईट करेंगे. जैसे अगर हम बात करें शुगर केन की, ये गन्ना है ये मान लो, तो हम उसकी स्टेम को ही ईट करते हैं, उसका ही तो जो सेप जो होता है, रस होता है, वो हम निकाल के पीते हैं. तो इसका मतलब क्या है, इसमें फूड स्टोर है. इसी तरह से जैसे स्टेम, जैसे अनियन है, प्याज है, ठीक है, पटेटो है, आलू है, अदरक है, जिंजर, शुगर केन है, ये सब किसके एग्जांपल हैं, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द स्टेम. इफ़ वी टॉक अबाउट द लीफ, तो देखिए स्पिनच है, पालक हो गई, लेटिस हो गई, सलाद सैलेड जिसको हम बोलते हैं, कैबेज हो गई, एक तरह से बंद गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, सॉरी ओरिएंडर हो गया, धनिया हो गया. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लीफ ऑफ प्लांट, कि हम इन प्लांट्स की लीफ को भी ईट करते हैं. अगर हम फ्लोर की बात करें, कि किसी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके फ्लोर को भी ईट किया जा सकता है, जैसे कि हम बात करें बनाना फ्लावर, ब्रोकोली है, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी जिसको हम कहते हैं, दीज आर द सम फ्लावर्स. ये फ्लोर के एग्जांपल हैं, लेकिन यही फ्लोर हम एज अ फूड ईट करते हैं. बड भी होता है, बड का मतलब होता है जैसे कि लौंग हो गई, तो वो क्या है, एक तरह से किसका एग्जांपल हो गई, बर्ड का, कचनार हो गई, एंड सीड, या स्पेशली सीड भी तो हम ईट करते हैं, जैसे कि किडनी बीन्स हो गए, जैसे सोयाबीन हो गए, एक तरह से हम कॉर्न्स की बात कर लीजिए, कॉर्न्स मतलब मक्का के हो गए, मक्का जो होता है ना उसके सीड हो गए, गेहूं हो गए, तो ये हम सीड भी तो ईट करते हैं. सम प्लांट्स हैव मोर देन वन एडिबल पार्ट्स, यस, कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं. जैसे कि हम बात करें कि क्या ऐसा कोई प्लांट है जिसके हम सीड और लीव्स दोनों को ईट कर सकते हैं, येस, देर इज़ अ मस्टर्ड प्लांट. आपने सुना है ना कि मस्टर्ड जो प्लांट होता है उसकी सीड से क्या निकलेगा, ऑयल निकलेगा, तो ऑब्वियसली हम ईट कर रहे हैं उसको, और लीव्स जो होती है उसकी वेजिटेबल बनती है, ठीक है. और बनाना में भी ऐसे होता है, जैसे फ्रूट है और फ्लावर है, दोनों ही एज ए फूड इनटेक किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं. अगेन देर इज़ एन एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में बेटा आपको क्या करना है, कलेक्ट स्पेसिमेंस ऑफ स्पाइसेस, यानी आपकी किचन में आपकी जो मदर जो भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पाइसेस यूज़ करती हैं, उनके कुछ सैम्पल्स आपको लेने हैं, कुछ नमूने लेने हैं. और आप क्या करोगे, एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में, प्लास्टिक पाउच में, यानी बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक पाउच लेने हैं आपको,
उनमें आपको उनको पैक करना है और एक वाइट पेपर के पे उनको पेस्ट करके उनके नीचे जस्ट उन स्पाइसेस की नेम राइट करने हैं। वन मोर एक्टिविटी, एक्चुअली ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये अच्छे से आपको अंडरस्टूड हो जाए चैप्टर, इसलिए ये ऐड की जाती है। सो डोंट बॉदर अबाउट इट। गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ सम प्लांट्स, राइट द एडिबल पार्ट्स ऑफ ईच ऑफ दीज इन द स्पेस प्रोवाइडिंग। यस, यानी कि जैसे पम्पकिन है, कद्दू हो गया, गार्लिक हो गई, लहसुन, ठीक है, सनफ्लावर है, फेनुग्रिक है, तो ये आखिर प्लांट के कौन से पार्ट है, ये रूट है, ये लीफ है, ये स्टेम है, क्या है जो हम ईट करते हैं। दिस आंसर यू हैव टू राइट इन दिस स्पेस। नाउ द इम्पोर्टेंट, यस, स्प्रॉट्स। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ स्प्रॉट्स, क्या आपने कभी स्प्रॉट्स का नाम सुना है? लेट मी टेल यू। एक्चुअली बेटा एक चीज़ बताइए आप मुझे, अगर आपके पास कुछ पल्सेज हैं, जैसे दाल है, जिसमें हम मूंग की दाल ले लीजिए, चने की दाल ले लीजिए, अगर आप उसको भिगो दोगे पानी में 2-3 डेज़ के लिए, तो आप क्या देखोगे कि उसके अंदर एक लीफी पार्ट्स निकलने लग जाएगी, यानी कि वो धीरे धीरे एक बेबी प्लांट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू कर देंगे। अगर उस स्टेज में आप उसमें स्पाइसेस ऐड करके अगर आप ईट करोगे तो वो थोड़ा डिलीशियस लगेगा आपको, यस, वो टेस्टी भी लगेगा। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग में हम क्या करते हैं कि जर्मिनेट किया जाता है सीड को, यानी अंकुरित जो बीज होते हैं, सीड होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्प्रॉट्स कहते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ सीड्स लेंगे, ठीक है, जैसे कि हमने चने ले लिए थोड़े से, और उनको सॉक कर देंगे, यानी पानी में भिगो देंगे कुछ आवर्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद में जैसे कि ये हमने कुछ सीड्स ले लिए, ठीक है, उसको कुछ आवर्स के लिए हमने क्या किया, पानी के अंदर भिगो दिया, और पानी में भिगो देने के बाद आप उनको बाहर निकालेंगे और एक गीले कपड़े के अंदर उनको रैप कर लेंगे, और उसके ऊपर वाटर स्प्रिंग करते रहेंगे 2-3 डेज़ के लिए, तो आप क्या देखोगे कि वो उसमें जर्मिनेशन शुरू होने लग गया, कि जैसे एक चना है तो उसके अंदर से लीफी पार्ट्स निकलने लग गए। तो यही एक क्या होती है, स्प्राउटिंग प्रोसेस होती है, यानी अंकुरित करना सीड्स को। वन मोर एक्टिविटी नंबर 5, टेक हाफ अ बॉल ऑफ ग्रीन ग्रेम एंड सॉक इट ओवरनाइट इन वाटर। एक्चुअली स्टूडेंट्स, आई हैव रिसेंटली टोल्ड अबाउट दिस एक्टिविटी, कि अभी मैंने आपको ये एक्टिविटी बताई है जिसमें हम किस तरह से स्प्रॉट तैयार करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड, वाट एवर वी हैव स्टडीड, नाउ वी आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। देखो बेटा, इनके आंसर्स अब आपको देने हैं विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। आप अपनी बुक के अंदर राइट कर सकते हैं, बट बाय द पेंसिल का ही यूज़ करेंगे। जैसे कि जर्मिनेटेड जो सीड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ठीक है, जैसे क्या बोलेंगे उनको, स्प्रॉट्स बोलेंगे, यस। जो क्लॉज होते हैं वो कौन सा पार्ट है, ये आपको राइट करना है, ठीक है। और रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन का अच्छा सोर्स कौन सा है, तो ये सभी आंसर्स आपको खुद राइट करना। इतनी देर हमने किस बारे में पढ़ा, वी हैव स्टडीड अबाउट द प्लांट्स, नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द एनिमल्स। अब हम एनिमल्स के बारे में भी तो पढ़ेंगे, क्योंकि एनिमल्स आर द मेन, एनिमल्स आर आल्सो द मेन सोर्स ऑफ फूड। लाइक द ह्यूमन बीइंग, बिकॉज द ह्यूमन बींग्स आर वॉट, ह्यूमन बींग्स आर ओमनीवोरस। कि जो ओमनीवोरस होते हैं वो प्लांट और एनिमल दोनों फूड को ईट करते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हम जैसे मिल्क भी मिलता है हमें, ठीक है, मिल्क भी मिलता है उनसे, एग भी मिल जाता है। कुछ ह्यूमन बींग्स होते हैं जो
फ्लैश भी ईट करते हैं, मीट भी ईट करते हैं, फिशेज भी ईट करते हैं, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं और अदर एनिमल्स हैं एज अ फूड के लिए वो एनिमल के ऊपर भी डिपेंड होते हैं. अ वेराइटी ऑफ फूड इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम एनिमल. अगर हम एनिमल में वेराइटी ऑफ फूड की बात करें तो अगर हम मीट की बात करें, ठीक है, तो मीट में कौन कौन से एनिमल्स से मिलता है मोस्टली? गोट हो गई, जैसे बकरी हो गई, चिकन हो गई, फिशेज हो गई, ठीक है. अब जो मीट होता है उसमें हाईली क्या कौन सा इंग्रेडिएंट्स या फिर हम कह सकते हैं जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन सा होता है? प्रोटीन होता है. और आपको पता है कि प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन इज़ द बॉडी बिल्डिंग फूड, कि हमारी बॉडी की जो न्यू सेल्स फॉर्मेशन होती है या हम कह सकते हैं बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो डिपेंड करती है प्रोटीन के ऊपर. तो अच्छा प्रोटीन मिलता है, जैसे हैन है, डक्स है, तो इनसे एग मिलता है, ठीक है, इनको पोल्ट्री प्रोडक्ट्स कहते हैं. अब हम मिल्क भी तो लेते हैं, तो काफ़ी सारे मिल्क जो प्रोडक्ट है वो हम हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है. तो जो मिल्क हमें मिलता है स्पेशली वो एनिमल कौन कौन से हैं, जैसे काउ, गाय हो गई, गोट्स, बकरी हो गई, बफेलोज, ठीक है, दीज आर द मेन एनिमल्स विच प्रोवाइड अस मिल्क. और जो मिल्क होता है उसमें क्या होता है, कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें? फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी है जो हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहा है, प्रोटीन जो ग्रोथ कर रहा है, विटामिन मिनरल्स हैं जो कि हमें डिजीज से बचाते हैं, ठीक है, और इसमें कैल्शियम भी होता है जो हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही साथ कर्ड यानी दही बन जाता है, बटर, घी, चीज़, ये सारी की सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है बेटा? वी ऑब्टेन दीज फ्रॉम द मिल्क, हमें मिल्क से मिलती है, और मिल्क हमें किससे मिलेगा? एनिमल से. तो ये क्या हो गया? एनिमल प्रोडक्ट हो गया. तो ये मिल्क से मिलने वाली जो सारी चीज़ें हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? वी कॉल देम डेयरी प्रोडक्ट्स. एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए, वी मस्ट टेक द मिल्क एवरी डे. कि कोई भी एज हो, वैसे तो जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, उनकी बॉडी के लिए ग्रोथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, इसलिए उनकी बॉडी में प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में जाना चाहिए, इसलिए उनको मिल्क पीना चाहिए. और जो अडल्ट होते हैं और जो ओल्ड एज होते हैं तो उनको भी मिल्क डाइट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि मिल्क में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं. हनी इज़ मेड बाई हनी बीज फ्रॉम द नेक्टर ऑफ द फ्लावर्स एंड इट कंसिस्ट द शुगर, मिनरल्स, एंजाइम्स. यस, आपने शहद का नाम सुना है जो किससे मिलता है हमें? हनी बीज से. तो वो भी क्या हो गया? एनिमल प्रोडक्ट हो गया. इसमें करते क्या है हनी बीज? जो फूलों का जो रस होता है, नेक्टर ऑफ द फ्लावर होता है, उसकी मदद से क्या बनाते हैं? वो शहद बनाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है. नेक्टर को किस में ट्रांसफ़र कर देती है वो? नेक्टर ट्रांसफ़र हनी बाय द प्रोसेस ऑफ रिगरगीटेशन. यस, एंड स्टोर इट एज ए प्राइमरी फूड सोर्स इन हनी कॉम्ब्स इनसाइड ए बीहाइव्स. देखो बेटा, बीहाइव्स क्या होता है? बीहाइव्स होता है छत्ता, ठीक है, यानी जो छत्ता होता है ना मधुमक्खियों का, उसको बीहाइव्स बोलते हैं, और उनके अंदर उसको स्टोर किया जाता है. और इसको एज ए ऑक्यूपेशन भी बनाया गया है लोगों के द्वारा, कि शहद को किस तरह से बनाया, तो इस जो ऑक्यूपेशन होता है इसको बोलते हैं एपीकल्चर. Now the what animals eat. In next video, dear students, we will talk about the animals food. कि जो animals है वो आखिर क्या eat करते हैं और उनको as a food कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं. हमने इस chapter में अब तक पढ़ा कि जो फूड है उसके मेन सोर्सेस क्या क्या हैं, ठीक है, और किस तरह से प्लांट्स के कौन कौन से
पार्ट में फूड स्टोर हो सकता है और किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स हैं हमें किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड प्रोवाइड करते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एनिमल्स की, जो एनिमल्स आखिर क्या ईट करते हैं.